भारत और मालदीव के बीच बीते कुछ दिनों से खींचतान चल रही है। इस बीच खबर आई है कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर गए हैं। उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से अपने देश में पर्यटक भेजने की अपील की है। इस बात पर चीन ने भी सहमति जताई है और वह मालदीव में अपने देश से पर्यटक भेजने के लिए हामी भरी है। आपको बता दें कि मालदीव की मुख्य आय का स्रोत टूरिज्म है और सबसे ज्यादा भारत के टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, इसके बाद रसिया और फिर चीन का नंबर आता है। लेकिन भारत के टूरिस्ट ने मालदीव जाना बंद कर दिया है। भारत के हजारों टूरिस्ट ने अपनी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको अब तक पता चल चुका होगा। चीन मालदीव से दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने मालदीव को अपना पुराना मित्र भी बताया है। देशी भाषा में कहें तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली जो पंक्ति है उसको चीन ने पूरी तरह से चरितार्थ किया है। साथ ही दोनों देशों ने 20 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बीजिंग की पहली राजकीय यात्रा के दौरान चीन संग अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया। इतना ही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को संप्रभुता के लिए खतरा भी बताया। चीन ने व्यापक राजनीतिक सहकारी साझेदारी पर सहमति देकर महासागर द्वीप समूह में आगे के निवेश के लिए मंच तैयार किया था। मोइजू के कार्यालय के अनुसार इस दौरान दोनों देशों के बीच 20 अहम समझौते हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये समझौते पर्यटन, आपदा जोखिम में कमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर हुए हैं। हालांकि जिनपिंग और मोइजू की मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ है।